एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज है फ्राइडे, तो आज कुछ जल्दी बुला लिया बॉस ने, तो अब मैं बॉस के हाउस जा रहा हूँ और उसके बाद पता नहीं कहाँ जाएंगे, मुझे नहीं पता। तो दोस्तों, आज तो दिल्ली का मौसम, आज से नहीं, कल से आज तक रिमझिम बारिश इतनी अच्छी हो रही है यहाँ पर, इतना बढ़िया मौसम हो गया है यहाँ का, मत पूछिए। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैमरा बैक करके, अब अल्टीमेट मौसम हो रहा है गजब का। शाम को भी मौसम बना सकते हैं इस मौसम में तो, लेकिन कौन सा मौसम बनाना है शाम को वो आपको पता होगा, तो मुझे नहीं पता आप कौन सा मौसम बना रहे हैं। मैं तो भाई वाला मौसम बना नहीं सकता, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ सामने का व्यू, और देखिए मौसम इतना अल्टीमेट हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, एकदम हल्की हल्की, और मौसम देखो क्या बताए यार, गजब का मौसम, दिल खुश कर देता, दिल्ली का मौसम। मजा आया कि नहीं मजा आया गाइस, कमेंट करके बताइएगा जरूर मुझे। मुझे तो बहुत मजा आया, मैं भीगते भीगते आया हूँ, मतलब रेनकोट लगा, भीगते भीगते नहीं, रेनकोट पहन के आया था मैं आज, और मैंने अभी भी चप्पल पहन रखी है क्योंकि टाइम नहीं मिला, लेट हो गया, रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, बहुत बहुत ट्रैफिक था आज, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने ऑफिस नहीं पता, चलते हैं। ओके, तो मौसम का आप भी इंजॉय लो, अगर दिल्ली में आप रहते हैं जो, और लोग जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के वासी हैं, उन तो वो तो मज़ा ले रहे हैं, जिनको दिल्ली आके मज़ा लेना है मौसम का, तो वो आ सकते हैं। तो गाइस पहुंच गया हूँ बॉस के अपार्टमेंट पे, ये वाला है जो गेट खुला हुआ है, इसको पैक करके लगाता हूँ। नमस्कार जी। तो गाइस पहुंच गए, अब कभी भी आ सकते हैं बॉस, ठीक है, तो बाद में मिलते हैं। ओके यार, दोस्तों आज बारिश ने तो हद कर दिया है, एकदम बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा, अब इतनी बारिश मत पूछो, आज तो एकदम हद कर दी है बारिश ने। बाहर का सीन दिखाऊं जी, देखो रोड का सीन कैसा हो रहा है, लेके गया इंडिया गेट। देखो मैं वहाँ पर आपको कुछ भी व्यू नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि उनको पसंद हो ना पसंद हो, मैं वीडियो बनाऊँ उनको अच्छा लगे ना लगे, तो इसीलिए मैंने नहीं बनाया। तो वहाँ से मैं आ गया हूँ, तो अब देखो बाहर का कैसा है मौसम, बताइए दोस्त लोग, फ्रेंड, दोस्त, मित्र, बताइए बाहर का मौसम कैसा है। तो ठंड भी लग रही है, गाड़ी में एसी भी नहीं चला रहा हूँ मैं, वेरी इंपॉर्टेंट है सीट बेल्ट, तो सीट बेल्ट जरूर लगाओ अपनी सेफ्टी के लिए। तो गाइस सामान ले रहा था, भीग गया पूरा, अम्ब्रेला रखा भूल गया था मैं लेना, चलो कोई नहीं, अब तो मैंने सामान ले लिया है, थोड़ा भीग भी गया हूँ, चलो चलते हैं अपार्टमेंट की तरफ।
आपको पता होगा कि मैं अभी लास्ट वृंदावन, अब सोच रहा हूँ जाने के लिए हरिद्वार। हरिद्वार बट मैं अकेले ही जाऊँगा, मुझे तो जाएगी नहीं। तो मैंने सोचा था कि सैटरडे को जाता, इस सैटरडे को मेरी बेटी का MRI कराना है, तो आज तो इस मतलब कल तो टाइम नहीं मिल पाएगा। तो नेक्स्ट सैटरडे में मॉर्निंग में सुबह निकलूंगा दूंगा, क्योंकि रात को वापसी भी आना है सेम डे अगर, और बाइक से जाऊंगा। तो डिस्टेंस कितना होगा? 235-40 किलोमीटर होगा मेरे घर से। आएंगे वहाँ की अपडेट जरूर दूंगा, कब जा रहा हूँ, किस डेट को जा रहा हूँ, मैं जरूर बताऊँगा आपको। सो गाइस, आपको गाइस दोस्तों भाई बहनों, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और छुट्टी भी हो गई है, ऑफिस जा रहा हूँ, गाड़ी खड़ी करनी है, उसके बाद मैं अपनी बाइक लेके सीधे घर जाऊँगा। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और कल फिर एक नई वीडियो लेके आएंगे आपके सामने। तो आज की वीडियो कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है, अगर अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर देना, और जो भी है उसके बाद जो कहते हैं, ठीक है, लाइक कमेंट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी जरूर दबा देना, जिससे कि आपको मेरी कोई भी नई वीडियो अपलोड होगी वो आप तक पहुंच जाएगी। तो ओके, बाय।